नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनु। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हर शहर की एक पहचान होती है, हरे राज्य की एक पहचान होती है। जिस प्रकार से यूपी और बिहार में बाटी चोखा और लिट्टी चोखा मशहूर है, उसी तरीके से जबलपुर में गक्कड़ भरता भी मशहूर। जबलपुर आए और गक्कड़ भरता नहीं खाए तो शायद यहाँ का स्वाद आप नहीं ले पाए। इस वक्त हम ग्वारी घाट पर हैं और ये ग्वारी घाट माँ नर्मदा का तट स्थल है। और इस तट स्थल की ये विशेषता है कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ की जो एक फेवरेट डिश होती है, जो यहाँ का एक सिग्नेचर पकवान कहा जा सकता है, परंपरागत पकवान कहा जा सकता है, वो है गक्कड़ भरता। गक्कड़ भरता सुनने में जितना अजीज लगता है, इसका स्वाद भी उतना लजीज लगता है। आइए, हम यहाँ पर एक दुकान है और दुकान के शॉप ऑनर से हम बातचीत करके इस डिश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल में ये गक्कड़ भरता है क्या, कैसे बनता है और इसे आप अपने रसोई किसान कैसे बना सकते हैं, घर में इसको कैसे बना सकते हैं। तो भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे। विकास गुप्ता जी, ये जो ग्वारी घाट या जबलपुर की पहचान के तौर पर एक फेवरेट पकवान के तौर पर गक्कड़ भरता कहा जा सकता है, सुना जाता है, गक्कड़ भरता है क्या? गक्कड़ भरता एक देसी डिश है जी। जैसे कड़ली में हम लोग बनाते हैं जी, कड़ली में बनाते हैं, उसको बैगन वगैरह को भूंज के, टमाटर बैगन को भूंज के उसका भरता बनाते हैं जी। और कड़ली में बाटी सेकते हैं हम लोग। और शहर का जो शहर की सारी पब्लिक है जी, वो सुबह से शाम तक ही गक्कड़ भरता की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। ग्वारी घाट देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ गक्कड़ भरता खाते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? सब इंदौर, भोपाल, यूपी, यहाँ बाहर से सभी लोग आते हैं। आइए, हम यहाँ पर बैठ करके आपसे इस गक्कड़ भरता के बारे में, पूरी डिश के बारे में थोड़ा सा। तो अभी हमने शॉप पे बात की और यहाँ पर दो लोग हैं जो अपने लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बातचीत करके इनसे भी गक्कड़ भरता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? अमित मरावी। और कहाँ से? जबलपुर लोकल से ही हैं आप या फिर? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए। गक्कड़ भरता के बारे में सुना था पहले? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम खाया हूँ। खाए हैं, पहली बार आपने खाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या विशेष लगा इस गक्कड़ भरता में? मतलब बस टेस्टी अच्छी है, जैसे हम दूसरा और खाते हैं, जैसे आपका आलू बुंदा हो गया, समोसा हो गया, भजिया हो गया, इससे अच्छी चीज है। बिल्कुल एक देसी स्वाद है। हाँ। जिसको मसालों के साथ थोड़ा सा फ्राई करके एक नया रूप दिया गया। हाँ, थोड़ा अच्छा लगा, जो भी टेस्टी अच्छा लगा। गरम मसाला है और अपना उसमें कंडी में बनता है, वो भी रखे हुए हैं क्या? सादा भरता बन के हम लोग और फ्राई करके फिर परोसते हैं हम लोग। जैसे ये बाटी है, अब इसको हम फ्राई करेंगे घी में, तो ये भी मैं बता रहा हूँ आपको।